ओम क्रिया बाबा जी महा, ओम श्री माते महा। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या पीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के जो लेक्चर का विषय है वो अप्सरा और एंजल के विषय में है। अप्सरा के बारे में बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको नाना जाने कितने प्रकार के लेक्चर मिल जाते हैं। तो कोई बोलता है कि मुझे ये अप्सरा प्रसन्न हो गई, कोई बोलता है अप्सरा की ये मंत्र से ये हो जाए। मित्रों, ऐसे किसी के कान में मंत्र फूंक के दीक्षा नहीं होती, ये हाल समझ लीजिए। अप्सरा अगर सच में प्रसन्न हो जाती तो आप आज बॉलीवुड में दिखाई देते, वो इतनी आसान बात नहीं है। अप्सरा कोई सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली सब्जी वाली नहीं है, या घर की कोई काम वाली नहीं है। लोग जो होते हैं अप्सरा के बारे में कुछ गलत समझ बैठते हैं किसी का सुनकर, और कहीं से मंत्र दीक्षा वगैरह ले लेते हैं। पहले आप अप्सरा ये नाम की व्याख्या क्या है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इंद्र और बाकी जो देवता स्वर्ग में अप्सराएं क्यों रखती है, अप्सराओं का स्वर्ग में क्या महत्व है, अप्सरा की साधना मनुष्यों के लिए क्या लाभदायक दे सकती है, अप्सराओं का काम क्या होता है, ये पहले आपको समझना आवश्यक है। अप्सरा की साधना करने से पूर्व आपको अपने आसपास की जो स्त्रियां होती है इनके मन को और हृदय को, इनका स्वभाव समझना बहुत आवश्यक होता है। ये उच्चतम स्त्रियां जो होती है, उच्चतम स्त्री देवियां जो होती है, वो पहले उसी को ही प्रसन्न होती है कि आप अपने आसपास की स्त्रियों को अंदर से कितना मान सम्मान देते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है अप्सरा की साधना करने से कोई सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाएगी, कोई देवी यानी कोई स्त्री उनको प्रसन्न हो जाएगी, आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, फेम मिलेगा। मित्रों, ये कोई बाजार में कोई मंडी नहीं है कि कोई भी पैसे निकालो दे दो और करते घर मिला, ऐसा किसी के साथ इस तरह से नहीं होता। अगर सच में किसी के कान में मंत्र कोई फूकने से चमत्कार हो जाता तो भारत में गरीबी कभी भी नहीं रहती, आपके सारे दुख कब के नष्ट होने चाहिए थे। अक्सर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमें यह देखना है कि ये सारे प्रश्नों के हम उत्तर देंगे, प्रॉपर नॉलेज हम देंगे, और सच में अप्सरा ये एंजल्स है क्या ये भी हम देखेंगे। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखा था कि उसमें कोई एक लेडी एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, उसने गले में इतनी माला पहनी थी, इतना पूरा भर के रखा था कुमकुम से, और वो इंटरव्यू में बता रही थी कि हमारे हिंदू धर्म की जो अप्सराएं है वो क्रिश्चियन में जाकर एंजल हो गए। मित्रों, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। पहले आपको एंजल ये पूरा स्टडी करने के लिए यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन, इन धर्मों का हिस्ट्री ठीक से पता होना आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों जो धर्म है आप कल्पना कर लीजिए, हिंदू धर्म से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को चलाने के लिए उनके धर्म में उतनी बड़ी बड़ी शक्तियां भी होती है। हमें अगर उनका अभ्यास नहीं है तो ये है वो है बोलकर कुछ नहीं होता। फरिश्ते इस्लाम में होते हैं और फरिश्तों को ही एंजल यहूदी और क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, ठीक है। फरिश्तों और एंजल का अप्सरा से कोई संबंध नहीं है। हिंदू धर्म में सिर्फ अप्सरा आती है और स्वर्गलोक जो होता है, जो इंद्र और इनके नीचे जो देवता होते हैं, सिर्फ स्वर्गलोक में ही अप्सरा होती है। अप्सराओं का काम वगैरह क्या है, अप्सरा शब्द का अर्थ क्या है, अप्सरा बनती कैसे है, वो सब हम इस लेक्चर में देंगे बताएंगे। पूरा लेक्चर आप ठीक से सुनिए, और लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्या पीठम द्वारा कोर्सेस करने हैं, ये 64 योगिनी का कोर्स ये पूरा यंत्र है, इसमें पूरा यंत्र पूजन हमने सिखाया हुआ है, उसके साथ स्वर्णाकर्षण भैरव साधना भी आप सीख सकते हैं, पूरा इसमें इन डिटेल सिखाया हुआ है। राजमाता की साधना है, श्री विद्या के दूसरे स्टेज पर ये साधना आती है, ये सारी साधनाओं के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, आप पूरा का पूरा उन्हें देख सकते हैं। सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, आप अपने कुलाचार और पितरों के दोष दूर करने के लिए इनकी साधना कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो मेन मुद्दे को शुरुआत करते हैं। अप्सरा इस शब्द की व्याख्या पहले हम सुनते हैं। अपसरा, अप मतलब क्या है, अपने से अधिक और अपने से उच्च। सरा का अर्थ होता है सरा यानी स्त्री, अपने से उच्च स्त्री देवी, स्त्री शक्ति या स्त्री तत्व, ठीक है, उसको बोला है अप्सरा। अब अप्सरा कौन सी स्त्री बनती है, ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। मित्रों, हमारे श्री विद्यापीठम में वो नॉलेज दिया जाता है जो आपको यूट्यूब पर कोई भी चैनल, कोई भी इंडिया का कितना भी बड़ा गुरु इतने डेप्थ का नॉलेज नहीं देता। आप हमारा यूट्यूब चैनल पूरा देख सकते हैं, बहुत डेप्थ में हम नॉलेज देते हैं। तो अप्सरा कौन सी आत्मा बनती है वो देखते हैं अभी हम। जो मनुष्य लोक में स्त्रियां हैं जिन्होंने अच्छे कार्य अपने स्त्री जीवन में किए हैं, और उसके बाद उसकी मृत्यु होकर जो आत्मा बाद में बन जाती है, उसने अपने आत्मा मृत्यु के बाद ऊपरी जगत में, उस स्त्री आत्मा ने किसी गुरु का सानिध्य लेकर, किसी अच्छे देवता का सानिध्य लेकर, या किसी के द्वारा मार्गदर्शन लेकर, उसने ऊपरी जगत में पूरा का पूरा तपस्या रखा है, साधना रखी है किसी देवता की, और उस अपने पवित्रता वहां पर भी रख के कम से कम 500 साल तक का जो पुण्य होता है, तप का, एक तप का जो पुण्य होता है वो इकट्ठा किया है, उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है अप्सरा में। वो भी मित्रों अचानक से उठकर कोई अप्सरा नहीं बनती। और कोई भी स्त्री जो होती है, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मृत्यु के बाद कोई भी आत्मा जो होती है पितर नहीं बनती। आप सर्वाइव नहीं कर सकते ऊपरी जगत में डायरेक्टली। भले आपको लगेगा कि मैंने शिवजी के इतने जाप किए, माने गायत्री के इतने जाप किए, जो देवता आपको खुली आंखों से अभी मदद करने के लिए नहीं आती, वो आपको मृत्यु के बाद भी डायरेक्टली अपने लोक में नहीं बुलाती। ये पहले आप अपने दिमाग में ध्यान में रखिए।
आध्यात्मिकता में यही सीखना होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपको सर्वाइव कैसे करना है। क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे प्रेतात्माएं होते हैं, पिशाच आत्माएं होती है, और ये जो एनर्जीज होती है ये दूसरी आत्मा को बंदिश लगाते हैं, खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अपने अंदर उनके कार्य के लिए रख लेते हैं। तो उनसे बचकर अगर कोई आत्मा अपना स्वतंत्र अस्तित्व कहीं रखती है, कोई स्त्री आत्मा रखती है और आगे बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बोला किसी गुरु ऊपर भी गुरु होते हैं, वहां पर भी उच्च आत्माएं होती है जो आपको मार्गदर्शन, ऊपर भी आपने अगर अच्छा पुण्य कमाया है तो छोटी छोटी देवताओं से मिलकर आप तपस्या का ज्ञान ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अब ये जो स्त्रियों में एनर्जी कैसे बढ़ती है ये भी आपको मैं अभी बताता हूं। स्त्रियों में भी कैसा होता है कि स्त्री के पहले पीरियड से लेकर आखिरी पीरियड से एक स्त्री के जीवन में वो अपने उसने जितना जीवन जिया है उसमें कितने पीरियड्स आकर चले गए हैं, उस पीरियड में स्त्री ने क्या कार्य किए हैं, कितनी शुद्धता रखी है, तो पीरियड्स जितने आए हैं उसकी ताकत भी जो होती है स्त्री के अंदर होती है। तो ये पीरियड्स की ताकत स्त्री ने अपने कुल कुलाचार के रीति रिवाज और परंपराएं होती है इनको कितना निभाया है, कुल परंपराओं को कितना निभाया है ससुराल के और मायके के, ये देखना पड़ता है। एक स्त्री ने दूसरे स्त्री का मान सम्मान कैसे किया है, एक ये सब जो होता है ना ये सब देखना पड़ता है, उनका हिसाब किताब होता है और वो आगे काम आता है। तो ये बहुत ही बड़े लेवल का सब्जेक्ट है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको वो तो समझ लेगा, और कोई अचानक से उठकर अप्सरा नहीं बनती, फिर उसका पूरा मुआयना किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, फिर जो उच्चतम स्वर्ग के जो गुरु मंडल होते हैं वो ऐसी आत्मा को अडॉप्ट करते हैं और अप्सरा बनाने का विधि शुरू करते हैं। तो अब आगे के नॉलेज में ये प्रश्न है कि इंद्र और स्वर्ग लोक में इंद्र को अप्सराओं की जरूरत क्या पड़ती है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। लोगों को लगता है वो नाचती है, लोगों का मन लुभाती है, ऐसा लोगों को लगता है, परंतु ये कोई मित्रों हंसने वाली बात नहीं है और वो मजाक करने वाली बात नहीं है। इंद्र का जो काम है वो मनुष्य लोग और मनुष्य से सीधा संपर्क हमारा इंद्र से होता है, शिव ब्रह्मा विष्णु इनका संपर्क मनुष्य से डायरेक्ट नहीं होता, इनके बीच में आता है इंद्र और इंद्र का संपर्क मनुष्य से डायरेक्ट होता है। इसके कारण क्या होता है कि इंद्र और इंद्र के नीचे जो बाकी देवता होते हैं उनके ऊपर चंद्र और सूर्य इनके रिफ्लेक्शन अर्थ से बहुत जल्दी आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, तो देखो ये जो अर्थ होती है इस अर्थ के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार की गंदगी होती है। अगर आप कल्पना कर लीजिए कि कोई गुंडा और बदमाश व्यक्ति है, उसने अपने शरीर के ऊपर, या फिर आप कल्पना करिए कोई खूनी है या कोई भ्रष्टाचारी आदमी है या कोई साहूकार है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके शरीर के ऊपर का कोई गहना सोने या चांदी का जमीन में गिर गया, वो किसी को मिलाने पर जमीन के अंदर वो दबोच के गिर गया, ठीक है। वो पहले के जमाने में भी क्या था कि लूट कर बहुत संपत्ति उसमें जमीन के अंदर वो अंदर रह जाती थी। पहले के जमाने में बहुत सारे जो होते थे अस्त्र शस्त्र होते थे कि दूसरों का खून करते थे, लूट मार करके उसको रक्त लगा हुआ रहता था, ऐसे जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो कहीं पर भी भूमि पर फेंक दिए जाते थे, भूमि के नीचे दफन किए जाते थे। तथा आज के आधुनिक युग में क्या है कि लोगों के शरीर के अंदर इतनी गंदगी हो चुकी है वो मैल के कारण वगैरह बाहर निकलती है, मूत्र के कारण बाहर निकलती है, कपड़े अगर हमने कहीं पे फेंक दिए तो वो बाहर निकलती है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए किसी पुरुष या किसी स्त्री के शारीरिक संबंध बहुत सारे लोगों के साथ है तो वो निगेटिव उसके शरीर के अंदर आती है, उसने अपना कपड़ा कहीं पर फेंक दिया, ठीक है। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य भूमि के ऊपर की भाप जो होती है वो भाप से ऊपर जाती है एनर्जी, ठीक है, हवा, और ये भाप जो होती है जिसे बाष्पीभवन कहते हैं वो हवा के थ्रू यहां से वहां एनर्जी निकल जाती है। तो उसमें से बाष्पीभवन भाप का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है हवा के द्वारा और चंद्र भी जो होता है ना रिफ्लेक्शन करता है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है जो हवा के द्वारा आता है, भाप के द्वारा आता है, ये थोड़ा स्वर्ग लोग इंद्र और इंद्र के नीचे जो देवी देवता होते हैं इनके शरीर के ऊपर भी ये बैठता है, ठीक है। अब ये भाप में क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर की निगेटिविटी आई हुई है और ये निगेटिविटी अलग अलग प्रकार की होती है, इसमें मनुष्यों के अलग अलग टाइप के स्वभाव होते हैं, काम वासना भी उसमें होती है, उसके बाद क्रोधित वृत्ति भी उसमें आती है। तो ये सब जाकर जो पाप होता है ये इंद्र और उसके अंडर जो काम करने वाली देवता होते हैं उनके शरीर के ऊपर बैठता है, जिसके कारण क्या होता है कि देवताओं का जो स्वभाव होता है वो चंचल हो जाता है, क्रोधित होती है, किसी देवता के शरीर के अंदर बहुत सारी काम वासना जो होती है एकदम बाहर आती है। अगर ये इंद्र और बाकी के देवता अगर स्थिर नहीं रहे तो ये चंचल हो जाएंगे और इसमें ये मनुष्य के ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं, राक्षस लोग के भी ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, या फिर ये अपने जो कार्य करने हैं जो निसर्ग से संबंधित है वो करना मतलब बंद कर देंगे या फिर कुछ अलग हो जाएगा, संतुलन नहीं रहेगा। तो उनके शरीर के ऊपर ये सारी जो निगेटिव एनर्जी आने से असंतुलितता आती है, क्रोध, काम, और जो दिमाग जो होता है वो काम करना कभी कभी बंद हो जाता है बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आने के कारण। तो इसको संतुलित करने के लिए होती है अप्सरा। मित्रों अब आपको समझ में आ गया, अप्सरा ये स्वर्ग की दूसरी रानी है, अप्सरा ये स्वर्ग की दूसरी रानी है। इंद्र के पत्नी को पहला मान है स्वर्ग के रानी का और दूसरा मान है अप्सरा को। तो अप्सरा को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए,
अप्सरा के पास नृत्य गायन सौंदर्य इनकी शक्ति आती है। अब जैसे इंद्र और बाकी के देवताओं को यह होता है, वैसे बाकी के जो इंद्र और बाकी देवता होते हैं इनके दास भी होते हैं, इनका पूरा काम करने के लिए दास भी होते हैं। कोई भी जो दास सेवेकरी होता है उनका, वो इन देवताओं के सानिध्य में रह के उनके काम करने के कारण देवताओं की छोटी मोटी एनर्जी जो होती है वो दासों के अंदर भी आती है। तो दास भी होते हैं उनके, वो चल भी चल होते हैं, उनको भी अपनी एनर्जी संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये स्वर्ग और अप्सराएं जो होती है ना, सिर्फ स्वर्ग लोक में होती है ना, वो विष्णु लोक में होती है ना, शिव लोक में होती है ना, ब्रह्म लोक में होती है, वो किसी भी देवी देवता अन्य किसी लोक में नहीं होती। अप्सराओं का काम इन सारे देवी देवता जो होते हैं जो स्वर्ग में है इनके एनर्जी को संतुलित करना ही इनका काम है। मित्रों अब आपको समझ में आ गया कि अप्सराओं का काम क्या है। अप्सराओं को जो नृत्य विद्या जिन्होंने दी, जिन्होंने संगीत विद्या दी, जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र की विद्या दी, वो भगवान शिव के द्वारा इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। मित्रों ये आपको मैं बताता हूं, भगवान शिव ने पूरा पूरा वरदान आशीर्वाद उनको दिया हुआ है। अभी आपको मैं बताता हूं कि जो बॉलीवुड होते हैं, जो मनुष्य को इनका क्या फायदा होता है कि जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कोई स्पेशल कला है, जो शास्त्रीय संगीत है, जो नाट्य संगीत है, जो कोई वाद्य बजा रहे हैं, या कोई बॉलीवुड में एक्टर वगैरह है जो अपने एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हैं, जो डिवाइन कोई गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो अप्सराएं जो होती है ना इसमें गाइडेंस ज्यादा देती है। अप्सराओं में आकर्षण शक्ति भी होती है, परंतु देखो अप्सराओं की साधना कोई छोटी मोटी छोटी छोटी साधना नहीं है, उनको समझने के लिए उतने लेवल का दिमाग भी लगता है, ठीक है, तो ही वो डील करती है आपसे, और वो अचानक से आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप कल्पना कर लीजिए कोई सुंदर स्त्री एक पुरुष के सामने खड़ी हो गई, उस स्त्री ने अपने कपड़े निकाल लिए, तो एक पुरुष अपना जो काम वासना है कंट्रोल कर सकता है क्या? एक पुरुष ऐसे कपड़े निकाली हुई स्त्री को अपने माता बहन या देवी के रूप में अंदर से पूर्ण भावना युक्त मान सकता है क्या? ये उसकी परीक्षा होती है। और ये कोई झोपड़पट्टी में रहने वाली कोई देवियां नहीं है, ये जो शक्तियां होती है इनको मनुष्य से भी आगे की बौद्धिक क्षमता होती है। इनको मनुष्य के शरीर में उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या भावनाएं उनके प्रति है, ये पूरा समझ में आता है। मित्रों तो मित्रों ये कोई खेल नहीं है, या कोई आप यात्रा में चले गए और कोई खिलौना लाया घर में और उसे खेलते चले गए, तो वो इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर गलत साधना कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी भुगतने को मिलता है, आने वाली पीढ़ी में वो निगेटिविटी चली जाती है, कुलाचार के ऊपर दोष आता है, और ये दोष जो होते हैं रिमूव करने का आपको तरीका पता नहीं होता है। तो पूरी जानकारी लेकर आप आगे बढ़ते चलिए। तो अप्सराओं का समझ में आ गया, अप्सराओं के पास जो सप्त सुर है, हर एक सुर का शास्त्र विद्या साधना उनके पास है। यहां पर संगीत बोलने वाली जो अलग अलग संगीत के अलग अलग टाइप है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में आप जाएंगे तो आपको मैं बता दूं शास्त्रीय संगीत का सिर्फ एक ही प्रकार है, उसको सुर लगाने के लिए, आपका प्रॉपर सुर लगने के लिए 3-3, 5-5 साल की मेहनत चाहिए, तभी जाके आपका शास्त्रीय संगीत में सुर लगता है, तभी आप शास्त्रीय संगीत गा सकते हो। आप अचानक उठ के क्लास में चले गए और किसी पंडित को या शास्त्रीय के गुरु को आपने 2 लाख रुपए दे दिए, तो आप एक दिन में, एक महीने में, 6 महीने में भी आप ये नहीं सीख सकते। तो आपको 3-5 साल किसी गुरु के पास इनका रियाज करना पड़ता है, तब जाके आपके गले से वो सुंदर आवाज निकलती है। शास्त्रीय वादन का भी ऐसा ही है, नृत्य का भी ऐसा ही है। मित्रों ये कुचिपुड़ी, कत्थक, भरतनाट्यम, इनमें 3-3, 5-5 साल की मेहनत होती है। तो मित्रों यही आप लोग भूल करते हो कि आपको लगता है कि किसी गुरु ने महाविद्या का मंत्र आपको कान में फूंक दिया, मैंने जाप कर लिया, आपकी दीक्षा हो गई। नहीं कहा जाता इसे दीक्षा। मित्रों आप यही मेहनत देख लीजिए। अप्सराएं जो होती है इनके पास इन सारी चीजों का, कोई आप वाद्य ले लीजिए उसका डेप्थ में नॉलेज होता है। आप कोई सुर लीजिए, अगर आप सुर ले लीजिए, सा ले रहे, सा ये पहले सुर में सा की साधना किस प्रकार से है, सा को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से विधि करने होते हैं, फिर सप्त सुरों को एनर्जाइज कैसे करना है, हर एक सुर की विद्या, हर एक सुर के ग्रंथ उनके पास होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया इन सबका मनुष्यों में भी क्या काम आता है। अप्सरा आप बोलेंगे कि अप्सराओं के शारीरिक संबंध देवताओं के साथ आते हैं क्या? तो मित्रों एक अप्सरा जो स्वर्ग में इंद्र और बाकी देवता है उनको अप्सराओं से ये जो संबंध बनाने का जो सब्जेक्ट है ये उनको माफ कर दिया हुआ है। एक्चुअली नेचर से ही वो माफ है, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये काम वासना, लोगों की जो निगेटिविटी, अन्य जगहों के जो दोष शरीर के ऊपर लगते हैं उनको सेटल करना पड़ता है। नृत्य गायन इनके द्वारा मन जो होता है वो स्थिर होता है। पहले के राजा महाराजा जो लोग होते हैं वो अपना दिल बहलाने के लिए और शान शौकत दिखाने के लिए नृत्य वगैरह ये उसका ये अपने दरबार में नहीं रखते थे। जब किसी भी राजा का बहुत सारा काम होता है, कार्यकारबार, राज्य विस्तार बहुत होता है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसका स्ट्रेस निगेटिविटी शरीर के ऊपर बैठती है, और जो इतना बैठते है कि मानसिक संतुलन किसी भी राजा का बिगड़ सकता है। इस और नृत्य संगीत इनके कारण क्या होता है कि ये सारी चीजें जो होती है वो रिलैक्सेशन करती है। तो ये इसके पीछे का कारण है। आपको लगेगा आपको अभी भी पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगा,
जब आपके ऊपर किसी भी बड़े लेवल की जिम्मेदारी आ जाएगी, या फिर आप कोई बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, कोई बड़े पॉलिटिशियंस बनेंगे, या फिर आपके अंडर काफी सारे लोग होंगे, हजारों लाखों लोग होंगे जिनका निर्णय आपको लेना है, जिनके अच्छे और बुरे का ख्याल आपको रखना है, डिसीजन लेना है, तब आपकी मेंटेलिटी अलग हो जाएगी। आप जब राजा बनोगे तो राजा की मेंटेलिटी अलग होती है। अप्सराएं जो होती है आपको राजा बनाने के लिए होती है, परंतु यह राजा वैश्यवृत्ति भावना में रख के नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूं। अप्सराएं जो होती है किसी भी मनुष्य को राजा बनाने के लिए, अप्सराएं किसी मनुष्य को देव कैसे बनना है, देवता कैसे बनना है, इसकी प्रक्रिया भी समझा सकती है। अप्सरा को अगर आप गुरु के रूप में देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली सिखा सकती है, आप में वो एनर्जी उतनी भर के दे सकती है। अप्सराओं का भी एक गणपति होता है, और ये गणपति अप्सराओं की जितनी भी विद्याएं है, जैसे कि अप्सराओं के पास जो भी नाट्यशास्त्र की विद्याएं है, संगीत की विद्याएं है, और उसके बाद नृत्य की अलग अलग विद्याएं होती है, नृत्य के अलग अलग पोजीशंस होते हैं, इन सबके जो ग्रंथ होते हैं उनको रखना, तथा हर एक अप्सरा का पूरी की पूरी एक डायरी रखना या ग्रंथ रखना, क्योंकि एक एक अप्सरा एक देवी है। तो ये सारे जो हिसाब किताब रखने का कार्य है अप्सराओं के एनर्जी से बना हुआ एक गणपति होता है उसके पास होता है। इस ये जो गणपति है इसके पास एक्चुअली अप्सराओं के गणपति को डॉक्टर ऑफ सेक्सोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास चार प्रकार के काम शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ है। देवताओं में काम वासना कैसे होती है, देवताओं में सेक्स कैसे होता है, सेक्स के अलग अलग पोजीशन, मनुष्यों में भी ये सारी चीजें आती है, पशुओं में भी आती है, राक्षसों में भी आती है, तो इनका जो भी शास्त्र है तथा सेक्स करने की अलग अलग पद्धतियां, सेक्स की विद्याएं, सेक्स में अलग अलग होने वाले साधनाएं, अलग अलग शक्तियां कैसे आती है वो, और अत्यधिक सेक्स के द्वारा जो पशुओं में और अन्य देवी देवताओं में मनुष्यों में जो रोग आते हैं इनका अभ्यास, तथा जो अशुभ और राक्षसी शक्तियां होती है यानी तामसी शक्तियां होती है इनमें एक क्रोधित काम वासना होती है उसका अभ्यास, ये सारा जो बड़ा काम शास्त्र का विद्या है इसके चार ग्रंथ ये गणपति के पास आते हैं। तो ये गणपति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले एक कथा है कि रंभा या मन का कोई अप्सरा आई थी, मुझे भी पूरी तरीके से याद नहीं है, उन्होंने उस किसी ऋषि से संबंध बनाए, उनको लड़की हुई थी और बच्चा होने के बाद दूसरे दिन वो अप्सरा उस बच्चे को ऋषि के पास छोड़कर स्वर्ग में चली गई। तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें क्या है, तो अप्सराओं को बच्चे होते हैं कि नहीं होते, अप्सराओं को माता बनने का अधिकार होता है कि नहीं होता, ये भी आपको मैं इसमें क्लियर करता हूं। मित्रों अप्सराएं माता बन सकती है, परंतु मोस्ट ऑफ दी अप्सराओं में कोई भी माता नहीं बनता, कोई भी मां नहीं बनता, क्योंकि क्या होता है कि स्वर्ग की अप्सराओं को एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, अपने बच्चे को अपने पास रख के माँ का प्रेम नहीं दे सकती। इसी के कारण जो होता है कि अप्सराएं जो होती है वो ज्यादातर माँ बनने की जिम्मेदारियों में नहीं पड़ती। अगर अप्सरा के साथ कोई देवता इच्छा रखता है बनाने की और बच्चे की इच्छा रखता है, तो वो बच्चा जन्मने के बाद अप्सरा उसका पालन पोषण नहीं कर सकती, जो देवता ने संबंध बनाया है, जो बच्चे का बाप है उसी को ही उसका पूरा पालन पोषण करना पड़ता है। ये सारी चीजें बहुत बड़े बड़े लेवल की है। अप्सराओं की साधना करने के लिए आपको मैं सच बता रहा हूं, आप किसी दुर्गा की पूजा कर लीजिए, हाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, परंतु आप अप्सरा की साधना करने के लिए जाएंगे ना तो आपके शरीर के अंदर काम वासना बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसको आप सेटल कैसे करोगे, फिर आपका नजरिया बदल जाएगा, आप अपने आसपास की स्त्रियों के तरफ देखना अलग टाइप से देखना शुरू कर देंगे। तो ये चीजों को संभालने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, और उसमें गलतियां बहुत जल्दी हो जाती है जितनी, और अप्सरा जो होती है साधना बहुत जल्दी फलित भी होती है, यानी अगर किसी ने सही तरीके से अप्सरा का तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन हवन उसको बुलाने का विधि अपने शरीर के अंदर कैसे डालना है, क्योंकि देखो आप मंत्र बोलकर आपके शरीर के अंदर अप्सरा नहीं आएगी, आपको अप्सरा की एनर्जी किसी जल में, किसी पंचामृत में या किसी औषधि में लेनी पड़ेगी, और वो औषधि आपके शरीर में डालनी पड़ेगी, ये प्रक्रिया होती है। तो और आपके जो सेंस होते हैं वो खुलने चाहिए, क्योंकि अप्सरा क्या है, अप्सरा एक आकर्षण की भी एक शक्ति है, काम की भी शक्ति है। तो आपका काम अगर बॉलीवुड में है, एक्ट्रेस में है, कला के क्षेत्र में आप लोगों के सामने आना चाहते हैं, तो आपके जो ज्ञानेंद्रिय है, आपकी आंखें, आपका फेस, आपका मुंह, शब्द में आकर्षण आना, जिह्वा में आकर्षण आना, इनमें जो केंद्र होते हैं ना, ये केंद्र भी खुलने पड़ते हैं, तो इनके ऊपर भी प्रक्रिया होती है अप्सरा की साधना में। वो इसने काम में फूक दिया मंत्र, माला के ऊपर जाप कर दिया, वो इस तरह से नहीं होता, एनर्जी इस तरह से बढ़ती है, उसका एक शास्त्र होता है। तो ये हो गया अप्सराओं के बारे में। मित्रों हमारे श्री विद्यापीठम में ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है, और ये नॉलेज वर्ल्ड में किसी भी यूट्यूब चैनल के पास नहीं है, गूगल में नहीं है, और किसी भी अन्य गुरु के द्वारा ये नॉलेज नहीं बताया जाता। आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए हैं। श्री विद्यापीठम द्वारा आप कुलदेवी की साधना, महामृत्युंजय साधना, श्री विद्या एसेंशियल, कारिकुल श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, डेप्थ में जाकर नॉलेज हमसे ले सकते हैं मित्रों। और
अप्सराओं में और भी अधिक नॉलेज की चाहते हो तो जरूर इसमें भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।